मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बेहद बड़ी चुनौती बने हुए हैं, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के लिए भी, क्योंकि दावे अब तक यही किए जा रहे हैं कि बेशक सिंधिया कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी हूँ, लेकिन बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता आज भी उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सिंधिया को तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं कांग्रेस खेमे से। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में किस तरह से कांग्रेस पार्टी अब सेंधमारी करने को तैयार हो चुकी है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने कुछ अहम रणनीतियां बना ली है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं Next9 News। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मध्य प्रदेश पहुंचे और मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद उन्होंने डंकी की चोट पर अपनी बातें रखी हैं। मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद उनका साफ तौर पर कहना रहा है यहां पर मिशन लोटस को लेकर, जी हां, भारतीय जनता पार्टी को लेकर। दरअसल आपको बता दें ये दावे भी किए गए कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली, सरकार गठन के बाद ये कहा गया कि डीके शिवकुमार को भी यहां पर एक्टिव किया जा सकता है। जिस तरह से राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को अलग अलग राज्यों में एक्टिव किया जाता है कांग्रेस खेमे से, वहीं सचिन पायलट को मध्य प्रदेश की सियासत में भी एक्टिव कर सकते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सचिन पायलट मध्य प्रदेश पहुंचे थे। वहीं अलग अलग राज्यों में स्टार प्रचारक के तौर पर उन्हें उतारा भी गया है। ऐसे में देखा जाए तो ना सिर्फ सचिन पायलट बल्कि डीके शिवकुमार भी मध्य प्रदेश की सियासत में एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि डीके शिवकुमार हाल ही में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे हैं, विधि विधान से महाकालेश्वर की पूजा अर्चना की और इस दौरान डीके शिवकुमार ने कहा कि महाकालेश्वर ने हमें कर्नाटक में सरकार के रूप में लोगों की सेवा का अवसर दिया। मैं यहाँ चुनाव से पहले आया था। उनका कहना रहा कि कर्नाटक में जीत के बाद हमने संदेश दिया कुछ भी असंभव नहीं। उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा साफ तौर पर डबल इंजन की सरकार राष्ट्रीय स्तर पर फेल हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी काफी समस्याएं हैं तो लोग भी बदलाव चाहते हैं। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और सभी नेता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कर्नाटक से अधिक सीटें जीतेंगे। आज से हम कर्नाटक में महिलाओं के लिए बसों का किराया भी फ्री कर रहे हैं। ये बातें कही, लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने यहां पर दावे किए हैं इस राज्य में चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर। आइए आपको सुनाते हैं कि डीके शिवकुमार ने और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। दैट आई विल कम अगेन, गिव मी पावर, सो द कर्नाटक विद दैट इंडिया आल्सो हैज बीन ग्रोइंग, द एंटायर कंट्री व्हिच एवर द पार्टी इज देयर, ऑल पार्टी इज हैप्पी इंक्लूडिंग मेनी अपोजिशन पार्टीज, ऑल ऑफ देम आर हैप्पी दैट Congress party has come in Karnataka. We are given a message that nothing is impossible, everything is possible. Today in Madhya Pradesh also I could see the enthusiasm. The mandate was not there for Madhya Pradesh. With Operation Lotus, they have formed the government as they formed in Karnataka. But the double engine government has failed at the national level. Here also a lot of big issues are going on. People want a change, change for development, change for progress, change for prosperity. So we find unity in diversity in this country. Party is looking at, Congress party always looks at every culture and the entire country has to be united. Rahul ji walked the street of this country on Bharat Jodo to unite India and see that the price rise, unemployment issue, it's the biggest challenge. I think Kamal Nath and all the leaders here, Mr. Digvijay Singh and all other leaders, former PCC president, former chief ministers, all of them are working unitedly and there will be a success story. They all tell that after Karnataka, they have more hopes. I feel they will be very comfortable as Karnataka, they will get more seats than Karnataka. This is what I am going to predict on this historic day and the historic visit of Mark Kalish. Which is now the plan of MP? See, I don't want to discuss within a few days. We'll have our own political strategy and we'll come out with a lot of action plan. Now the people of Karnataka gave us a mandate with
we gave them a lot of promises that will be a good administration with a good governance. So Karnataka also have accepted the whatever the people have come, and we have come out with a lot of promises. In Madhya Pradesh also, our leaders are discussing. I don't want to be a part of that announcement. Few days to come, we will deliver a good government in Madhya Pradesh as the people wants. How many seats? I want to tell now, as I said, in Karnataka, 136, the same seats have come. Here also day will come, we will tell you what is our number. आपने देखा कि किस तरीके से डीके शिवकुमार भी डंकी की चोट पर अपनी बातें रखते हुए दिखाई दिए हैं। अब देखते हैं कि राहुल गांधी, जिन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि 100 से अधिक सीटों पर वह यहां पर चुनाव में जीत हासिल करेंगे। 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, सिंधिया की अगुवाई में चुनाव लड़े गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ को बना दिया गया। और 2020 में सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और अब मौजूदा समय में बीजेपी सत्ता में बनी हुई है। देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर सचिन पायलट, डीके शिवकुमार को जब अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी तो आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।